हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया स्किन वाइटनिंग पैक बताने जा रही हूँ जो हमारी स्किन की वाइटनिंग और ब्राइटनिंग में मार्वलस रिजल्ट्स देगा, बहुत ही जबरदस्त वाला। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अरे वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, इस पैक में हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट रहेगा वो हमारा बनाना रहेगा, क्योंकि ये हमारा है बनाना पील पैक। और फ्रेंड्स, हम सबको मालूम है बनाना इज फुल ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, भर भर के इसके अंदर विटामिन और मिनरल्स होते हैं। और इसको खाना भी बहुत अच्छा है, इसको अपने फेस पे लगाना, यहाँ तक कि खाने के बाद में इसके छिलके को भी नहीं फेंकना चाहिए, वो भी बहुत ही बढ़िया काम करता है हमारी स्किन की लाइटनिंग और ब्राइटनिंग में। तो इस तरीके से एक पका हुआ केला लेंगे हम, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से मैश करेंगे। और फ्रेंड्स, उसके बाद में हम लेंगे ऑर्गेनिक शुगर, क्योंकि ऑर्गेनिक शुगर के अंदर होता है ग्लाइकोलिक पील, जो हमारी स्किन की लाइटनिंग और ब्राइटनिंग में बहुत अच्छा काम करता है। इसके साथ साथ ही दाग धब्बे या ब्लेमिशेस की प्रॉब्लम है तो वो सब भी ये सही करता है, झुर्रियां फेस पे, झाइयां हो गई हैं तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है ये। अगर हमारे पास ये ब्राउन कलर वाली शुगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम व्हाइट वाली भी ले सकते हैं। तो क्योंकि मैं ना बहुत सारी रेमेडीज में यूज करती हूँ अपनी इस शुगर को, तो एक ही बार में मैं इसको पीस के रख रही हूँ और घर में एक पॉट में भर के रख लूंगी। जब भी रेमेडीज के लिए चाहिए होता है तो एक स्पून उसमें से लेती हूँ और ऐड कर देती हूँ। तो इस तरीके से मैंने एक चम्मच इसका केले में ऐड किया। उसके बाद हम इसमें 4-5 बूंदे नींबू की ऐड करेंगे, नींबू के रस की, और जो बीज वगैरह ना उसको हटा लेंगे ताकि वो बीज वगैरह हमारे फेस पे ना लगे, क्योंकि ना नींबू के अंदर सिट्रिक एसिड होता है जो नेचुरली ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है हमारी स्किन के ऊपर। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे हनी, जो नेचुरली मॉइस्चराइज करेगा हमारी स्किन को और हाइड्रेट रखेगा हमारी स्किन को। और अब ना हम इसके छिलके को भी फेंकेंगे नहीं, इसका छिलका भी हम यूज करेंगे अपने पीलिंग पैक में। तो इस तरीके से छिलके को रख लिया, अब हम ये पैक को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद में फिर हम अपने फेस पे इसे अप्लाई करेंगे। इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, हम इसे हाथ से भी लगा सकते हैं, ब्रश से भी लगा सकते हैं, पर हम इसे अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे ताकि हमारी स्किन टाइटनिंग में अच्छा काम करे। ये टैनिंग वगैरह फेस के ऊपर है, झुर्रियां हैं, बहुत अच्छी तरह से वो साफ हो जाएगा। फिर हम केले का छिलका लेंगे और इससे भी सर्कुलर मोशन में हम इसकी मसाज करेंगे। आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हैं, डार्क पैचेस हैं, सबको बहुत अच्छी तरह से ये साफ करेगा। और फिर केले के छिलके से ना अच्छी तरह से मसाज करने के बाद में हम केले के छिलके को भी सेट कर देंगे अपने फेस के ऊपर, इस तरीके से करते हुए ये स्किन टाइटनिंग में हमारा बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट्स देगा। इसे से 10 मिनट हम इसको लगा रहने देंगे, उसके बाद में हम इसको हटाएंगे। हम चाहे तो अपनी आईज के ऊपर खीरे के स्लाइसेस भी रख सकते हैं। हटाने के बाद फिर हम थोड़ी देर इसकी मसाज करेंगे और उसके बाद में हम इसको वॉश कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी, आप इसको जरूर ट्राई करिएगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो हम बहुत ही जल्दी मिलते हैं एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ में। तब तक आई लव यू ऑल, बाय, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।